सो गाइस, आप सब लोग म्यूज़िक और डांस के तो दीवाने हो गए ही, बट क्या आपको पता है कि पोकेमोन भी म्यूज़िक से इंस्पायर्ड है? अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको कुछ ऐसी पोकेमोन बताने वाला हूँ जो कि म्यूज़िक से इंस्पायर्ड है, या फिर कह सकते हो डांस वगैरह करते हैं। तो हाँ गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड हाँ गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और घंटा भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही पोकेमोन की टॉक्स देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारी लिस्ट में जो नंबर वन पोकेमोन आता है वो एक्सप्लाउड। गाइस, एक्सप्लाउड मुझे बिल्कुल एक लाउड स्पीकर की तरह लगता है। एंड हाँ गाइस, लाउड स्पीकर हमें शादियों में ही देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड काफ़ी सारे साउंड पोल्यूशन क्रिएट होता है उनके कारण। एंड मैं एक्सप्लाउड को अपने पास रखना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगा। तो गाइज, अगला जो पोकेमोन है वो है हमारा सिंगर पोकेमोन मैजिकार्प। सॉरी गाइज, मैजिकार्प में जिग्लीपफ। गाइज, जिग्लीपफ को परफॉर्म करना बहुत सही लगता है, बहुत पसंद है उसे, बिल्कुल रॉक स्टार की तरह। एंड वो चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस हर कोई पसंद करे। अगला पोकेमोन है चैटॉट। गाइज, चैटॉट को मैंने इसलिए रखा है इस लिस्ट पर क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे थोड़े म्यूजिक से इंस्पायर्ड लगा। इसका आप लोग सिर देख सकते हो, एंड ये इसकी शायद आवाज़ भी थोड़ी मीठी टाइप की है, इसीलिए ये इस लिस्ट में है। अगला जो पोकेमोन है वो है चाइमेको। अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा तो माफ़ कर देना। तो गाइस, चाइमेको भी एक बहुत प्लेजेंट सी साउंड निकालता है, एंड ये हमें काफ़ी सारे घरों में भी देखने को मिलता है, बस ये जिंदा नहीं होता वो अलग बात है। तो गाइस, अगला पोकेमोन टॉक्सिसिटी। तो गाइस, ये जो अटैक करते हैं ये अपने गिटार के साथ अटैक करते हैं, तो भाई गिटार तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक में यूज़ होता है, एंड गिटार इसका इलेक्ट्रिक गिटार है जो मुझे काफ़ी सही लगता है इसका। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, अगला जो पोकेमोन आता है वो है मेलायोटा। गाइस, मेलायोटा तो डांस और सिंग दोनों कर सकता है, तो ये कुल मिला के एक पूरा रॉक स्टार पोकेमोन ही है मेरे हिसाब से। तो हाँ गाइस, हमारी लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना, एंड आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हो कि आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक चाहिए, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे लाने की। तो गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप भूल ना जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही पोकेमोन का ऑसम कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो हाँ गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ गाइज, मेरे दूसरे चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग अगर आपका मन करे तो। See you in the next video. Till then, peace out.